वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम नैनीताल में जो है फेमस, जो यहाँ की सबसे फेमस लेक है जिसे नैनी लेक कहते हैं, तो मैं नैनी लेक पे आ गया हूँ। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है, पहाड़ों के बीच में जो एक छोटी सी ये लेक है, मतलब छोटी सी जो मुझे दिख रहा है एरिया, वो जो बहुत सुंदर है। चारों तरफ जो घनी पहाड़ियाँ हैं, मकान बने हुए हैं लोगों के, उसके ऊपर और बीच में लेक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरी लेक। चलिए देखिए सुबह के टाइम का नज़ारा, देखिए लेक का, वो ऊपर पहाड़ियों पर जो है लोगों के मकान है, और बिल्कुल ग्रीन पहाड़ों के बीच में। देखिए कितनी सुंदर लेक है, कमाल का नज़ारा है। और ये जो सामने रोड है, ये माल रोड है। अब इस पर हम अंदर जाएंगे और देखते हैं अंदर क्या है घूमने के लिए, तो चलते हैं। ये हमारी नैनी लेक है और इसमें बोटिंग भी होती है, वो सामने बोट खड़ी है, तो अभी शुरू नहीं हुई है, देखते हैं अगर टाइम लगेगा तो बोटिंग भी करेंगे। आपको बता रहा था कि जो ये लेक है, नैनी लेक है, इसके अंदर बोटिंग भी कर सकते हैं आप। तो देखिए सारी बोट खड़ी है, पर अभी ये शुरू नहीं हुआ है सुबह में, अभी टाइम है, मैं जल्दी आ गया हूँ। तो सामने सारी बोट्स खड़ी हैं और मुझे लेक का जो, मतलब कि लेक इतनी सुंदर है तो देखकर मज़ा आ गया। तो फिलहाल हम सुबह के टाइम माल रोड पर जा रहे हैं नैनीताल में। तो अभी तो सारी जो, मतलब सुबह के टाइम पे सब चीज़ें बंद ही हैं, तो पहले देखते हैं शायद जू खुली हो तो वहाँ जाएंगे। तो चलते हैं आगे, मैं दिखाता हूँ आपको माल रोड, दिखाता हूँ। ये सारा जो रोड है ये माल रोड है, तो बड़ा ही ऊंचाई पे है काफ़ी, काठगोदाम से बहुत ऊंचा आना पड़ता है, 40 किलोमीटर ऊपर आना पड़ता है। उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत ठंड भी है इस टाइम, तो अच्छे से पैक होके आओ वरना बुरा हाल हो जाएगा यहाँ ठंड में। इधर देखिए नैनी लेक है और इधर जो है माल रोड है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, पहाड़ के ऊपर सीधी सन की लाइट आ रही है, अभी सूर्य उदय होगा और सन की जो है लाइट जिसके ऊपर पड़ रही है, तो बहुत अच्छा नज़ारा है। तो अभी बोटिंग जो मैंने बताया आपको, बोटिंग खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सुबह के टाइम लेट खुलती है। मैं सुबह जल्दी आ गया क्योंकि मैं जो है मेरी ट्रेन जल्दी की थी सुबह। ये हमारी नैनी लेक में कितनी सारी फिशेज हैं, एक इनमें वाइट फिश भी है देखिए बड़ी। और बोलते हैं मछलियों को आटे की गोली खिलाने से बड़ा पुण्य मिलता है, तो ये आपको हर पॉइंट पे पा जाएंगी, जो भी कोना होगा, ये देखिए जो भी आपको कोना होगा वहाँ पे आपको पा जाएंगी। कितना सुंदर नज़ारा है, तो चलते हैं आगे। वाइट फिश इन काली मछलियों में एक सफेद मछली भी है। ज़्यादा सुबह होने के कारण अभी मार्केट तो माल रोड की नहीं खुली है, लेकिन अभी जो है लोग बाग वैसे घूम रहे हैं, खाली मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी बड़ी माल रोड। देखिए नैनी लेक, और जैसे ही आप बस स्टैंड पे उतरेंगे नैनीताल के पे, आपके जस्ट सामने ही ये नैनी लेक है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो आके।
सही कहते हैं स्वर्ग है ये। तो अब हम जो है अपनी नैना देवी मंदिर के लिए बोट लेंगे। आप नैना लेक में जो है बोटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे 160 रुपीज़ आपको फेयर पड़ेगा। तो चलिए बोटिंग करते हैं, चलते हैं बोट में। तो फाइनली जो है सेफ्टी जैकेट पहनने के बाद मैंने जो है बोट में बैठ गया हूँ मैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। और सुबह सुबह अभी जो है अभी सूर्योदय का नज़ारा है, और लाइक है जैसे बनारस में बोटिंग वाला सीन है ऐसे है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बोटिंग के नज़ारे दिखाता हूँ। सुबह का टाइम है, अभी लेक में और कोई बोट नहीं है, मैंने पहली मैं ही हूँ सवारी। और अब चल रहे हैं, पूजा का टाइमिंग भी हो चुका है। देखिए देखिए बिल्कुल साफ पानी है। आपको जो ये बोट चलाने का जो चप्पू बोलते हैं इसको, ये बिल्कुल साफ दिखेगा। आजकल आपको बता दें फिक्स रेट ही चल रहा है, जहाँ जाओगे आपका फिक्स ही चलेगा। की जो हिस्ट्री है मैं वो आपको बताता हूँ कि जब दक्ष जी के यहाँ पे वो यज्ञ हुआ था जिसमें शिव जी का अपमान कर दिया गया था, तो उसके बाद जो है माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे, जो कि भोलेनाथ की जो है पत्नी हुआ करती थी। तब जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे तो भगवान शिव उनको अपने हाथों में लेकर जब जा रहे होते हैं तो नारायण जो है अपने सुदर्शन से उनके टुकड़े कर देते हैं, और जो जो टुकड़ा जहाँ जहाँ गिरता है वो एक शक्तिपीठ कहलाता है। तो यहाँ पर जो है माता सती के नैन गिरे थे, इसीलिए इसको नैना देवी टेम्पल कहा जाता है। तो चलते हैं टेम्पल के अंदर, सुबह का टाइम है, दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। और टेम्पल के अंदर जहाँ तक व्लॉग बनाने नहीं देंगे, तो मैंने आपको बाहर से टेम्पल दिखा दिया, मैं एक बार आपको और दिखा दूँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, इधर से घूम के जाना होगा। ये देखिए कितने ऊँचे ऊँचे पेड़ और पहाड़ी हैं। चल दो, मार्केट सारी बंद है, मैं बहुत सुबह आ गया टेंपल में। ये देखिए बस अंदर की मार्केट खुली हुई है, थोड़ी बहुत सारी मार्केट का एरिया है। यहाँ पे कुत्ते बहुत हैं, पर ये जो है हमारा नैना देवी टेम्पल का गेट है। तो हिस्ट्री मैंने बताई थी, चलते हैं अंदर और करते हैं माता के दर्शन। सबसे पहले जो मैं आपको दर्शन कराऊंगा वो है, चलिए बजाते हैं पहले। ये देखिए ये हमारे हनुमान जी, बजरंगबली के दर्शन कर लेते हैं स्टार्टिंग में। साइड में हमारे गणेश जी, स्टार्टिंग में से करते हैं।
चलिए अंदर चलते हैं। चप्पल उतार लेते हैं एक तरफ, चप्पल स्टैंड पे। आज ये पहन के चलेंगे लकड़ी खाने, छोटा ही। चलिए देखिए, पहाड़ियों के बिल्कुल बीच में है टेंपल, और आ गए हम नैनी नैना देवी टेंपल पे। मेन टेंपल यही पंडित जी, अंदर क्या है, इधर क्या अंदर? आगे जो मंदिर है भैरव जी हैं, शंकर जी हैं। फर्दर हमारे आगे चलेंगे तो ये भैरव टेंपल है, भैरव बाबा जी के दर्शन कर लीजिए, ज्योतिर्लिंग सामने। तो हमने नैना देवी माता के मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, और ये हमारे जो हैं यहाँ पर राधा कृष्ण टेंपल भी है, और नवग्रह मंदिर, राधा कृष्ण टेंपल और संतोषी माता जी का मंदिर सारे हैं। बाहर नैना देवी जी का टेंपल है, और सामने नैनी लेक है बिल्कुल फ्रंट में। तो बहुत प्राचीन और प्रख्यात मंदिर है ये। अभी भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि अभी बहुत सुबह का टाइम है। देखिए मंदिर के सामने का नज़ारा देखिए, अभी बहुत सुबह का टाइम है। तो सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा दिक्कत रहती है। और ये हमारे महादेव जी का ज्योतिर्लिंग, सुबह सुबह जला अभिषेक हो रहा है। चलिए चलते हैं अब आगे। फर्श जो है बिल्कुल पानी की तरह ठंडा है। देखिए पहाड़ों के बीच में ये टेंपल है, यहाँ जो भी मन्नत लेके आते हैं लोग वो पूरी हो जाती है। तो अभी थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे, पहले देख लेते हैं और कोई जगह। यहाँ पर गुरुद्वारा है माता के मंदिर के पीछे ही, तो गुरुद्वारे में चलते हैं पहले, उसके बाद जो है चाय नाश्ता अपना करेंगे। और मैं आपको जो है मेनली तो एक व्यू दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से लोगों के मकान बने हुए हैं पहाड़ की ऊंचाइयों पर, पहाड़ों को काट काट कर कितने सुंदर नज़ारे हैं पहाड़ी इलाकों में। जो मतलब कि मकान बना रखे हों, कितने भव्य तरीके से बना रखे हैं। सामने पहाड़ी और सामने जो है पूरा का पूरा जो है एक आवासीय कॉलोनी बनाई हुई है। ये देखिए, तो चलते हैं गुरुद्वारे में, मत्था टेकते हैं और फिर चलते हैं आगे। गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। तो अंदर चलते हैं गुरुद्वारे में। ये माता के टेंपल के पास ही है बिल्कुल गुरुद्वारा। तो बाहर लिखा हुआ है कि गुरुद्वारे में अपना सिर अच्छे से ढक के आए, और यहाँ पर जो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है,
तो हम बिना फोटोग्राफी के ही अंदर जाएंगे गुरुद्वारे के अंदर और दर्शन करते आएंगे सामने, तो चलते हैं। तो अंदर जो है गुरुद्वारे में मत्था टेक गए हम, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, गुरुवाणी चल रही थी अंदर, तो बाहर से ही मैं आपको दिखा दिया गुरुद्वारा। तो चलते हैं आगे।